आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ व सुखी होंगे। नमस्कार। आज हम आपको कुछ ऐसे अहम बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ी, सड़क के किनारे और अपने बहुत गरीबी में उन्होंने ऐसा अहम मुकाम हासिल किया कि आज वो बहुत ऊंचे स्थल पर उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई। आज हम आपका उसी के बारे में बता रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं त्रिशनित अरोड़ा की, जो एक मुंबई में रहने वाला लड़का है और उसके माता पिता इतने गरीब थे और वो कंप्यूटर में अपनी गहराई उसकी बहुत रुचि थी और वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं कर पाता था। तो उसने ये सोचा कि मैं कंप्यूटर में अपना कैरियर शुरू करूं और कंप्यूटर को उसने अपनी बारीकियों को समझने लगा और अपने शौक के कारण उसने एक अलग पहचान बनाई। वो केवल 23 साल की उम्र में ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गया और अपनी मेहनत के दम पर करोड़ रुपये कमाने लग गया। 19 साल की उम्र में वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्लीनिंग करना सीख चुका था। उसके बाद उसने एक छोटे प्रोजेक्ट का काम किया जिसके लिए उसने पहली कमाई, आप देखिए, पहली कमाई 6,000 रुपये मिले और त्रिनिधि ने उसके बाद साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनाने का इरादा किया। आज उसकी कंपनी TSE सिक्योरिटी सॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है और उसकी वो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां साइबर सिक्योरिटी देती है। 8वीं फेल होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान कंप्यूटर में लगाया। आज अपनी मेहनत के दम पर वो इस मुकाम पर पहुँचा। आज रिलायंस, पंजाब पुलिस और अमूल कंपनी की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उसने साइबर सिक्योरिटी के चलते वो उनसे जुड़ी और उसने ये मुकाम हासिल किया। वर्ष 2009 में एक फिल्म आई थी, डेनियल बेल द्वारा निर्देशित फिल्म थी सम डार्क्स मिलियनेयर, जिसमें झुग्गी झोपड़ी रहने वाले लड़के को किस्मत बदलने की कहानी है। वह रियल लाइफ है स्टोरी थी। नाम था उसका प्यारे खान। आज वो 600 करोड़ रुपये की कंपनी मालिक है। मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाला प्यारे खान एक झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने और पाई पाई का मोहताज होने के बाद और रेलवे स्टेशन में संतरा बेचने लेकर करोड़ों कंपनी खड़ी गई, सफर तय किया। प्यारे खान को सक्सेस स्टोरी काफ़ी प्रेरणादायक है। प्यारे खान बताते हैं कि उनका जन्म झुग्गी झोपड़ी में हुआ। माँ किराना की दुकान चलाती थी, पिता गांव-गांव में जाकर संतरे बेचते थे और 10वीं पास करने के बाद स्कूल में मोह छूट गया। फिर माँ के गहने बेचकर 11,000 रुपये का डाउन पेमेंट लिया और एक ऑटो खरीदा। ऑटो पे वो संतरे बेचने लगे और वह सिलसिला 2001 तक चला। प्यारे खान कहते हैं कि वर्ष 2001 में एक रिश्तेदार से 50,000 उधार मांगे पर वो कागज़ रखना चाहता था। फिर बैंकों के उन्होंने बहुत चक्कर काटे पर उनको स्लम एरिया की वजह से वो लोन नहीं मिल पाया। फिर एक बैंक है ING वैश्य बैंक, 11 लाख का लोन लिया और बैंक से 11 लाख का लोन मिलने के बाद प्यारे खान ने उन पैसों से ट्रक खरीदा जिसे नागपुर अहमदाबाद के बीच चलाते थे और वो ट्रक बाई चांस एक्सीडेंट हो गया। ट्रक एक्सीडेंट होने के बाद प्यारे खान ने उसकी मरम्मत कराई, फिर उसे सड़क पर ले जाकर बैंकों से आग्रह किया उसने कि मेरी किस्त जो है थोड़ी सी लेट हो जाएगी। और कुछ समय बाद प्यारे खान ने धंधा फिर ऐसा अच्छा पटरी पर लौट आया। वर्ष 2007 में अश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट नाम से अपनी कंपनी बनाई। अब प्यारे खान कंपनी अश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट काम मिलना शुरू हो गया। सबसे पहले उसने भूटान के आने जाने का सफलतापूर्वक कार्य किया और प्यारे खान कंपनी को मानो पंख लगे हों। भूटान के साथ साथ उसने नेपाल, दुबई तक में प्यारे खान की कंपनी के ट्रक ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं और कंपनी में अब 250 ट्रक हो चुके हैं। 700 से ज़्यादा कर्मचारी सालाना टर्नओवर करते हैं और 600 करोड़ तक वो अपना मुकाम पहुंच चुका है। अब बात करते हैं
इंडियन प्रीमियर लीग के यूएई में आयोजित 13वें सीजन में जिन गेंदबाजों ने प्रभावित किया उनमें एक नाम आता है टी नटराजन का। तमिलनाडु के इस 29 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने आईपीएल सीजन में आपने देखा होगा 16 मैचों में 16 विकेट हासिल किए और एक ओवर में 6 की 6 यॉर्कर गेंदें फेंकने की काबिलियत भी उसने हासिल की। और नटराजन को ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में खेले गए तीसरे वनडे में उन्होंने अपना सपना भी साकार किया। और हालांकि नटराजन की जिंदगी एक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तमिलनाडु के एक सलेम शहर में 36 किलोमीटर दूर चन्ना पामपड़ी गांव में उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो माँ सड़क के किनारे चिकन शॉप की दुकान थी। और प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में नटराजन का नाम 20 मैचों में 64 विकेट दर्ज किए। नटराजन ने शुरुआत में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया लेकिन गंभीरता से उन्होंने इस खेल को तब अपनाया जब उनकी उम्र लगभग 20 साल थी। और नटराजन ने ऑस्ट्रेलिया ओपनर मानस लुबिनेशन को बोल्ड कर एक टैलेंट दिखाया और नटराजन ने मेडल और भी किया। टी नटराजन भारतीय टीम में आईपीएल में एंट्री हो चुकी है और आज वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। बात करते हैं अगली खबर की। घटना असम के जिला तिनसुकिया की है जहां सोबरन नाम का एक व्यक्ति रोजी रोटी के लिए अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। और एक बार सोमवार को सोबरन अपना सब्जी का ठेला लेकर जैसे घर से निकला तो उसको दूर झाड़ियों में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर सोबरन ने अपना ठेला रोक दिया और उसने पास जाकर देखा झाड़ियों में एक छोटी सी बच्ची करीबन 4-5 या 6 दिन की थी और बिलख बिलख कर रो रही थी। और सोबरन ने उस बच्ची को वो उठा लिया और अपने साथ एक अपने घर ले गया और उसकी उम्र महज 30 वर्ष की थी उस टाइम सोबरन की। और तब सोबरन ने उन नन्ही सी बच्ची को पालने और खुद शादी ना करने का निर्णय लिया। सोबरन ने उस लड़की का नाम ज्योति रखा और कठिन मेहनत कर उसे अपनी बेटी की तरह पाला। और सोबरन ने दिन रात मेहनत करके ज्योति को पढ़ाया। सोबरन ने ज्योति को 2013 में कंप्यूटर साइंस में स्नातक कराया। ज्योति ने 2014 में असम लोक सेवा आयोग में PPSC परीक्षा पास की और उसे आयकर विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर पोस्टिंग दी गई। सोबरन का कहना है कि उसने 25 साल पहले कोड़े में एक हीरा उठाया था जो आज उसके बुढ़ापे की लाठी बन गया। सोबरन आज अपने उस बच्ची भाग्यशाली बच्ची को बहुत मानता है। तो हम ये देखते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं वो कैसे एक ठेला और जैसे मैंने बताया कि गरीब होकर वो ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं। एक दुखद सूचना आपको देते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। मसाला किंग के नाम से मशहूर महाशय दी हट्टी MD चवाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुटांटी जी का आज सुबह 98 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह 5:28 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक उनको कोरोना हुआ था। उसके ठीक होने के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और धर्मपाल गुराटी जी का आज निधन पर हम दुख व्यक्त करते हैं। और एक वो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित कारोबारी थे। और महाशय धर्मपाल जी के निधन पर मुझे दुख की अनुभूति हुई। और मैं सोचता हूँ एक छोटे से कारोबार से उन्होंने ये इतना बड़ा कामयाबी दिलाई और उन्होंने पहचान बनाई। एक सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहे। आप सभी जानते हैं उन्होंने कई धर्मशालाएँ और कई स्कूल अपनी माता पिता के नाम से भी खोले। और इसमें दुख में शामिल होते हुए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह उन्होंने एक टूट भी किया और धर्मपाल जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। और उन्होंने कहा कि वह एक हिंदुस्तान का विश्व भर के प्रतिष्ठित कारोबार में से एक थे। और धर्मपाल जी के निधन पर उन्हें दुख की अनुभूति हुई। और मैं आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केजरीवाल और सिसोदिया जी ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताते हुए देश के सबसे प्रेरक बिजनेसमैन को आज सुबह निधन हो गया और भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में पाकिस्तान में हुआ और MDH को इस मुकाम तक लाने में धर्मपाल गुलाटी जी का काफ़ी मेहनत की। और सिर्फ 5वीं तक पढ़े धर्मपाल जी ने गुलाटी जी ने जीवन में हर ऊँचे मुकाम को छुआ। हम
डोन एक्सपर्ट की तरफ से भी उनका बहुत दुख व्यक्त करते हैं कि ऐसे धर्मपाल महाशय जी का एक निधन एक दुखद घटना की तरह है। खबरों का सिलसिला आगे चलाते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और जापान के जेसीबी इंटरनेशनल के साथ मिलकर एसबीआई रूप में जेसीबी प्लेटिनम कंट्रोलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। एसबीआई ने यह कार्ड रुपए के नेटवर्क पर जेसीबी के सहयोग से पेश किया है। इनमें डुअल इंटरफेस फीचर है जो ग्राहकों को घरेलू बाजार में संपर्क और संपर्क रहित लेन देन दोनों करने में सक्षम बनाया गया है। कार्ड होल्डर कहीं भी उसे बैठे बैठे ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं और ये ऑनलाइन के अंदर एक बहुत बड़ा आधुनिक मैं सोचता हूँ कि एक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं सवार करना चाहता हूँ डेली हंट डेली होम का। धन्यवाद।